स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लग सरकारी नौकरी तक लेटेस्ट अपडेट आई है रोहतास जिला से। जी हाँ, इसमें वही सारी बातें हैं कि दसता परीक्षा में शामिल होगा होना होगा यदि आप पहले शामिल नहीं हुए हैं तो, और यदि जो लोग शामिल हुए हैं अगर अनुत्तीर्ण होते हैं तो फिर एक बार और मौका दिया जाएगा, लेकिन यह अंतिम मौका है। और जो लोग शामिल नहीं हुए हैं वह दसता परीक्षा में शामिल हो, ऐसे पूरे ज़िले में जो है निकाली जा रही है। देख सकते हैं, संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत कर प्लस आयकों का दसता परीक्षा की कार्रवाई करने के संबंध में और BPSM के द्वारा देख सकते हैं सभी कहना है कि संविदा पर नियोजित कर प्लस आयकों का बुलेटिन देना। 31 जुलाई को दसता परीक्षा का आयोजन किया गया था और जिसकी सूचना आपको दी गई थी। प्राप्त सूचना के अनुसार बहुत ही कम कर प्लस सहायक दसता परीक्षा में सम्मिलित हुए, अतः उक्त परीक्षा का परीक्षा फल अभी नहीं आया है। तो पुनः बिहार प्रशासनिक मित्र सोसाइटी के द्वारा कहा गया है कि अंतरी व्यवस्था के अंतर्गत वैसे कार्यपालक सहायक जिनके द्वारा बेल्टान द्वारा 31 जुलाई को परीक्षा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है तो बेल्टान द्वारा आज दसता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए को भविष्य में होने वाले अगली दसता परीक्षा में शामिल होने का उत्तीर्ण होने का एक और मौका दिया जाएगा। और दसता परीक्षा में शामिल होने का अंतिम मौका है। यह मामला जो है PPSM के अंतर्गत है और नियोजित सभी कार्यपालक सहायक किसी भी विभाग कार्यालय में है सभी पर लागू है। दसता परीक्षा में शामिल होने से संबंधित व्यय का आह्वान BPSM के द्वारा किया जाएगा और यदि अनुत्तीर्ण कार्यपालक सहायकों का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। देख सकते हैं वही सारी बातें हैं। और 31 जुलाई को दसता परीक्षा में जो सम्मिलित हुए हैं परंतु दसता परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो एक और मौका दिया जाएगा। और जो 31 जुलाई अगस्त तक थी उसको 31 अक्टूबर तक विस्तारित किया गया है नियोजन अवधि। अतः देख सकते हैं प्रासंगिक पत्रकारों में अनुरोध है कि अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत कार्यप्रवस्था को दसता परिचय हेतु सूचनाएँ प्राप्त कर जिला स्थापना सकर रोहतास, मतलब ये रोहतास निकाला गया इस तरह पूरे होल डिस्ट्रिक्ट में 38 जिलों में ऐसी सूचनाएँ गई है कि जो शामिल नहीं हुए हैं दसता परिचय में 31 जुलाई में वह शामिल हो, और जिनको लगता है कि हम फेल कर जाएंगे उनके लिए एक और मौका पुनः दिया जाएगा। लेकिन यह अंतिम मौका है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, इनके बाद जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, ऐसी बातें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कार्यपालक सहायकों को हर हाल में दसता परीक्षा देनी होगी। जो कार्यरत हैं विभिन्न विभागों में यदि अनुत्तीर्ण होते हैं तो जॉब समाप्त हो जाएगी, ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। और यदि जो कार्यरत हैं परीक्षाएं दिए हैं उनकी रिजल्ट अभी नहीं आई है तो रिजल्ट आती है और फेल हो जाते हैं तो उनकी जॉब समाप्त हो जाएगी, लेकिन एक और परीक्षा देने के बाद, ऐसी बातें आ रही हैं। और जो उत्तीर्ण होंगे उनकी जॉब रहेगी और रिमेनिंग जो कार्यपालक सहायक हैं उनके लिए अंतरिम मौका दिया गया है कि आप लोग परीक्षाएँ में शामिल हो। ये तो रही कार्यपालक सहायक की बात। और रही बात 7311 बिल्टन अभ्यर्थियों की भी ज्वाइनिंग चल रही है जिसमें अप्रोक्स 2900 जो है ज्वाइनिंग अभी तक हो गई है, लगभग 3000 तक ज्वाइनिंग हो गई है। तो 4000 के रिमेनिंग कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं, उनकी प्रक्रिया जैसे जैसे अधियाचना आ रही है हो रही है। 534 लेटेस्ट ब्लॉक्स में हुई राजस्व विभाग में बेल्टान के थ्रू, और थानों में हुई है, विभिन्न विभागों में हुई है, इस तरह बहाली प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जैसे जैसे अधियाचना आती है विभिन्न सरकारी विभागों से विभिन्न जिलों में 38 जिलों से तो ज्वाइनिंग की जा रही है और नई बहाली जो है अभी नहीं आई है, चाहे नई BPSM की कार्यपालक सहायक की नई बेल्टान की कोई भी प्रक्रिया है अभी नहीं आई है, जो भी है पूर्वरत हैं। और ये लेटेस्ट आपको देख सकते हैं, ये 4 अक्टूबर 2021 के सूचनाएं हैं, 4 अक्टूबर 2021। और आज है 5 अक्टूबर 2021 लेटेस्ट अपडेट है। देख सकते हैं सभी अंचल
पदाधिकारी रोहतास जिला को सूचनार्थ, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी, जिला लोक शिकायत विशेष कार्य पदाधिकारी, BPS, IT मैनेजर रोहतास, सभी जगह यह लेटर्स को भेज प्रेषित कर देना है, प्रतिलिपि को। कुल मिलाकर ये वही सूचनाएं हैं और सभी विभागों को लिखा गया, देख सकते हैं। पुलिस अधीक्षक रोहतास, वन पर मंडल, उप विकास सैनिक, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पंचायती राज, आपूर्ति पदाधिकारी, प्रोग्राम पदाधिकारी, अनुमंडल लोक सेवा सहायक, मतलब जितने भी विभाग हैं जहाँ कार्यपालक सहायक कार्यरत हैं, उन सभी में यह सूचनाएँ गई हैं कि इकट्ठा करके, जो है एकत्रित करके, सभी सूचनाएँ भेजें और रजिस्ट्रेशन कराएं, परीक्षाएं में शामिल होने के मौका दें। सभी जिलों में ऐसी सूचनाएं जा रही है। समय रोहतास की सूचनाएं हैं, देख सकते हैं। स्थापना उप समाप्त।